बस्ती जिले में लगातार सरयू के बढ़ रहे जलस्तर तटवर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों के लिए आफत बनकर आई है। आफत भी इस तरह की एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार गांव मेरूड हो गया है। बदे से गांव की दूरी 2 किलोमीटर होने के कारण डोंगे से लोगों को आना जाना पड़ रहा है। SDM हरैया भी गांव में जाकर लोगों से बंधे पर चलने की लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण तैयार नहीं है। ग्राउंड जीरो से जाकर हमने हकीकत की पड़ताल की तो शारदा और गिरजा बैराज के लगातार अपनी पानी छोड़े जाने के कारण सरयू नदी का जलस्तर अपने पूरे शबाब पर है, जिसके कारण अति संवेदनशील तटबंध कटारिया चांदपुर और गौरा सैफाबाद तटबंध तेज दबाव बना हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में और वहीं नदी और तटबंध के बीच बसे आधा दर्जन गांव पूरी तरीके से मेरूड हो गए हैं। प्रशासन सुविधा बाबू बेढ़वा भुआरिया सतवा गांव के ग्रामीणों से बाढ़ राहत शिविर में आने की अपील कर रहा है, लेकिन ग्रामीण आने को तैयार नहीं है। आज हम आ गए हैं बाढ़ की स्थिति का ग्रामीण क्षेत्र में जानने के लिए, इसकी जमीनी हकीकत को जानने के लिए सुविधा बाबू में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जिनको जानेंगे कि अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन का जमीनी हकीकत क्या है। क्या नाम है बाबू आपका? यहाँ पे जो अधिकारी आए हैं, अभी आए थे जाँच करने करके गए हैं, उनके उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सारी व्यवस्थाएँ चुस्त दुरुस्त बताई हैं, और उनके इसपे क्या कहना है आपका? जी, जैसे जो व्यवस्था की गई है वो हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है। अभी हमको कोई बात यहाँ होती है 2-2.5 किलोमीटर तो हमको बंधे पे जाना पड़ेगा, फिर इसके बाद वहाँ हम जाएंगे कैंप में, कैंप लगना चाहिए था कटरिया में, कटरिया से उठा कर उधर कर दिए हैं। प्रशासन कहता है कि सारी व्यवस्था हो गई है, लेकिन व्यवस्था ऐसे नहीं होगी। व्यवस्था हम लोग को, जैसे हमारे गाँव के चारों तरफ पानी भर गया है, हमको यहाँ से निकाल कर कहीं, मतलब कटरिया में या उसके अन्य जगह पर कहीं थोड़ी सी ज़मीन हम लोग को मिल जाती है ग्रामीणों को, तो हम ये बाढ़ के समय में अपने बच्चों को लेकर, अपनी गाय भैंस को लेकर उधर रहकर अपना मतलब जीवन बिता सकते हैं। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकाल कर कहीं शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह। अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं? अधिकारी लोग इस पर आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी बाढ़ हट जाएगी, उसके बाद फिर वैसा कि वैसा हो जाएगा। इसमें हम पूरा परिवार, ग्राम का पूरा परिवार सब इसी में परेशान है। भैंस ले जाने के लिए हमको 2 किलोमीटर दूर पानी में घुसा के भैंस बंधे के उस पार ले जाना पड़ता है, फिर वहां से 2.5 किलोमीटर दूर भैंस को मतलब चारा खिलाने के लिए ले जाना पड़ता है। और हमारा इधर जो अब की बार फसल लगाया गया है, फसल एक भी नहीं बचेगी हम लोग की। सर, और भी चाची क्या कहना है आपका? हमको यह कहना है साहब, हम 4 घर टेढ़वा में हैं, टेढ़वा का कभी सुनवाई ना भेल, ना टेढ़वा के प्रधान आवे, ना टेढ़वा का केहू कर्मचारी हमरे सबके ना, यही कर्मचारी केहू जने नाई गई ना हम देखे कि चल के देख लें कि यहाँ का स्थिति है। पूर्णिया में नहीं, हमें 2 घंटा हो गए यहाँ पर खड़ा होने, 2 घंटा से हम मजबूर, गोड़े गिरत गिरत परेशान हैं, कोई नहीं हमारे दरवाजे गया, हम लोग हमारे लोग बच्चे सब परेशान हैं, एकदम बहुत मुसीबत झेल रहे हैं, क्या करें अब, गोड़वा गिरत गिरत सब यही कहीं नैया यहीं लगी, वह नैया से ना हमारे घर आ गई हैं। जगरे छत बस बात है, अपन छत पे बनावत खाद बा, वो बारिश बा तो मेरे छत पे बनावत है। कोई अधिकारी आया था प्रशासनिक? क्यों ना आया भाई, खाली लाला है, प्रधान है। ओके से तो यहाँ कुछ राहत सामग्रियां बटी हैं आप लोगों को? नहीं बटा बा, क्यों अबे ना किन तो का बटे। क्या क्या लग रहा है, अभी और भी पानी बढ़ेगा? अब यहीं और पानी कहा थे, 1 मीटर पानी और छोड़े है। तो आप लोग सो कैसे रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? कहाँ सोई बाबू, बंधप जाए बा, बंधप कोनो व्यवस्था ना आई बा, ये सोए तो कैसे सोए हैं, रात बिरात अब लड़के ढम ले आए जाए तो कैसे रहे हैं। ठीक, कहाँ बाबू गांव में जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हमारे साथ SDM गुलाब चंद जी, इनसे जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पे क्या व्यवस्था की है जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिले। जिला प्रशासन बस्ती जिला मजिस्ट्रेट चौंका निरंजन महोदया के निर्देश पर जो है, यहाँ पर जो जिले स्तर की प्राधिकरण है, रेस्क्यू ऑपरेशन आपदा वाला प्राधिकरण है, उसमें मेडिकल टीम, रेवेन्यू टीम, पंचायती राज, ग्राम विकास की टीम, विद्युत और क्या कहते हैं पुलिस और चिकित्सा, पशु चिकित्सा, ये सभी टीमें हम लोग कैंप के माध्यम से यहाँ संचालित कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर एक हेंगापुर में एक बृहद कैंप स्थापित किया गया है, ये कैंप कम जो है बाढ़ राहत शिविर केंद्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। इसके साथ साथ कटारिया प्राथमिक विद्यालय सुखपुरा, अरे सुंदरपुरा, और ये सुविधा बाबू के लिए हम लोगों ने कटारिया में जो है कैंप स्थापित किए हुए हैं। साथ ही साथ जो अन्य प्रभावित गांव है, माझा है, और इधर आपका जो है टेंगड़ा है,
यहाँ पर पूरे अन्य तटवर्ती गाँव के लिए हम लोगों ने जो लहंगापुर में कैंप स्थापित किए गए हैं उनको वहाँ पर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी यहाँ पर इस गांव में सुथा बाबू गांव है जो हमारा चारों तरफ ये गांव प्रभावित हुआ है। यहाँ पर सभी घर घर हम स्वयं अपने हमारे साथ है वीडियो एसपी सिंह जो है धोड़िया के और ग्राम प्रधान है और साथ ही साथ और राजस्व के पंचायती राज की टीम है। यहाँ पर घर घर जा कर के सबको आज की स्थिति में हम लोग अलर्ट कर रहे हैं कि अभी जल का स्तर जैसा कि बाढ़ विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि पानी बढ़ेगा भी तो ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर पहुँचने के लिए कहीं अलर्ट कर दिया जाए और कोशिश किया जाए कि इनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाने का प्रयास किया जाए। इसी क्रम में हम ग्रामीणों के साथ जो संभ्रांत नागरिक यहाँ पर पीड़ित हैं इनके साथ गांव में घर घर जा करके महिलाओं को बच्चों को और इनको सबको सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे डिवीजन में इस समय SDRF आ चुकी है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स उनके साथ है ऑटोमेटिक मोटरबोट है और 3 मोटरबोट इंजन स्वचालित हम लोगों ने यहाँ लगा रखे हैं। इसके साथ छोटी और बड़ी नावें भी लगाए हैं किसी भी अप्रिय स्थिति से ना हो इसके लिए निपटने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मोटर बोट लगाया है कि आप धीरे धीरे करके बंधे पर और बाढ़ राहत शिविर में चले जाएं। वहाँ पर हम लोगों ने आवश्यक व्यवस्थाएं करे हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ राहत सामग्री भी भेजी है वो हमारे तहसील पर टाइम पर हो गया है डाउनलोड हो गया है और उसका वितरण भी हम लोग अभी जम करा रहे हैं। प्रथम चरण में यहाँ पर राहत सामग्री का हम लोगों ने वितरण कराया है और द्वितीय चरण में पानी भर गया है तो हम द्वितीय चरण की राहत सामग्री भी अविलंब वितरण करा रहे हैं। साथ ही साथ दो मुख्य बिंदु है एक चिकित्सा व्यवस्था और पशुओं की व्यवस्था। इसके लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को रात में ही निर्देश दे दिए गए हैं कि और स्थिति बिगड़े इससे पहले जो है आप आवश्यक व्यवस्थाएँ करें पशुओं के लिए भी। साथ ही साथ जो यहाँ के लिए हमारे जो ग्रामीण हैं उनके लिए आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्थाएं के लिए देखिए अभी तक जनपद बस्ती में 7 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जा चुका है जिससे कि तटवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें जलस्तर में वृद्धि होना शुरू हुई है। हमारी फ्लड जोन में जो निवासी गांव है उनको वहां से शिफ्ट होने के लिए और बाढ़ राहत स्थलों में पहुंचाया जा रहा है। आवश्यक बोट और गोताखोर और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गई है। लोगों को वहाँ से हटाकर सुरक्षित स्थान तक भी पहुँचाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त SDRF और जो मोटर बोट्स हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है। सभी राजस्व अधिकारियों और बाढ़ अधिकारियों और अन्य सभी विभागों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अभी तक अगर हम हरिया तहसील की बात करें तो वहाँ पर विष्णुदासपुरवा सुरेखा बाबू मरून है और सदर तहसील के 3 गांव में बाढ़ प्रभावित होने की सूचना आई है और इन सभी गांव में नाव